तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खौलते हुए दूध में मसालों को डाल करके देखा है? आज मैं खौलते हुए दूध में मसालों को डालूंगी और बाजार की बिल्कुल महंगी वाली रेसिपी घर पे ही बनाऊंगी, जिससे हमारा ढेर सारा पैसा बच जाता है, साथ में बिल्कुल हेल्दी रेसिपी हमारे घर पे ही तैयार हो जाता है। तो चलिए इसके हम बनाने की विधि देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। दूध आप पैकेट का, गाय का, भैंस का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको ले लीजिए। और दूध की क्वांटिटी आप अपने चॉइस के हिसाब से 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर ले सकते हैं, जैसा आपको लेना है अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। तो मैंने 2 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है। अब बिल्कुल हाई फ्लेम पर दूध को थोड़ा बीच में चलाते हुए इसको उबाल लाना है, ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। तो ये देखिए, दूध हल्का सा उबल रहा है नीचे नीचे, तो मेरा जो पतीला है ना बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है दूध से, इसीलिए मैंने आँच जो है इसका बिल्कुल कम कर दिया। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। तो जब उबाल आने वाला हो जाए ना, तो इसमें थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के मुताबिक काला नमक और सफ़ेद नमक डाल दीजिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, और अगर आपके पास लाल मिर्ची हो तो उसको भी छोटा छोटा काट के बिल्कुल बारीक डाल दीजिए। साथ में मैंने थोड़ा सा जो है डाल दिया है चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा मिक्स हर्ब अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और 1/2 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। बस इतने ही मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, और सभी मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। तो आप अपने दूध के हिसाब से ही मसालों की जो है क्वांटिटी को डालिए, और जो आपको खाना पसंद हो वो मसाले आप ले सकते हैं। तो मैंने सारे मसालों को डालने के बाद इसको अच्छे से चला दिया है। आँच बिल्कुल कम है तो नीचे नीचे उबल रहे हैं, अगर मैं आँच तेज़ कर दूँगी तो दूध उबल के नीचे गिर जाएगा। अगर आपका पतीला ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी उबाल सकती हैं। ये देखिए, नीचे नीचे दूध अच्छे से उबल रहा है। जब दूध अच्छे से उबलने लगे, फिर से इसमें एक उबाल आ जाए, फिर हमें उबलते हुए दूध में डालना है विनेगर। तो मैंने 4 चम्मच विनेगर को 4 से 5 चम्मच पानी में मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी, और ये दूध फटता जाएगा क्योंकि इसको हमें फाड़ना है। अब फाड़ने के लिए अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, नींबू के जूस ले लीजिए, 1 नींबू का जूस। उसमें जो है 5 से 6 चम्मच आप पानी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगी तो भी आपका काम हो जाता है, दूध अच्छे से फट जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे जब तक कि दूध अच्छे से फट नहीं जाएगा। और जब आप विनेगर डालें तो गैस की फ्लेम या तो एकदम से बंद कर दीजिए या फिर बिल्कुल लो पे कर दीजिए। अब इसको हम चलाते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से जो दूध है ना उससे पानी और छेना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए, दूध अच्छे से फट चुका है, मैंने जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल बंद कर दिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से छेना हमारा बिल्कुल फट करके तैयार हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम गैस से पतीले को जल्दी से उतार लेंगे। अब हमें फटाफट ये काम करना है। तो पहले से मैंने एक जो है टावल ले लिया है कॉटन का, नीचे एक छन्नी रख दिया है किसी बर्तन के ऊपर। अब इसके ऊपर जो फटा हुआ छेना है यानी पनीर है, उसको मैं इसके ऊपर रखते जाऊंगी। तो सारे पनीर को हम फटाफट से पानी के अंदर से निकाल लेंगे। अगर हम ज़्यादा लेट लगाएंगे तो जो पनीर है ना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो सारा पनीर मैंने निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इस तरीके से पनीर बनाने से कितना ज़्यादा पनीर बनके तैयार हुआ है। और साथ ही हम ठंडा पानी ले लेंगे या नॉर्मल पानी, तो 1 से 2 गिलास पानी हम इसके ऊपर से डाल देंगे, ताकि जो विनेगर या नींबू की खटास है उसका फ्लेवर इसके अंदर से अच्छे से निकल जाए। अब इसके ऊपर पानी डालने के बाद तावल को अच्छे से हम इस तरीके से पकड़ के जो एक्स्ट्रा पानी है उसको दबा करके हम निकाल देंगे, और बहुत आसानी से ये पानी निकल जाता है। तो आप अच्छे से जितना पानी आपसे आराम से निकल सके आप उसको पानी को निकाल लीजिए। अब पानी निकालने के बाद आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसके नीचे छेद हो। तो मैंने आटा चालने वाली छन्नी ही ले लिया है, इसी में मैं पनीर को सेट करूंगी। तो हाथों से मैं इस तरीके से अच्छे से बराबर से इसमें दबा दूंगी, ताकि जो पनीर बने बिल्कुल अच्छे से बराबर बने, अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से हाथों से सेट कर लिया है। अब ऊपर से जो टावल है उसको भी बढ़िया से सेट कर दूंगी, ताकि सारे जो पनीर है एक बराबर बने। अब इसके ऊपर कोई भी ओजन चीज़ रख देना है। तो मैंने क्या किया, कुकर में पानी भर करके इसके ऊपर से रख दिया है। अब इसको करीब 1/2 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि पनीर अच्छे से सेट हो जाए। तो 1/2 घंटे के बाद चलिए देखते हैं पनीर हमारा सेट हुआ कि नहीं।
तो मैंने कुकर को हटा दिया है। अब टावल को खोलूंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा कितने अच्छे से सेट हो चुका है। तो आधे घंटे में लगभग ये सेट हो जाता है। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा समय भी छोड़ सकते हैं। तो अब मैं इसको पीछे के साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पनीर सेट हो चुका है, बिल्कुल मलाईदार मखमली जो है पनीर बन करके ये तैयार हुआ है। ये जो पनीर है बहुत ही बढ़िया, खाने में स्वादिष्ट लगता है। जो डाइट करते हैं या जिनको ऐसे ही कच्चा पनीर खाना पसंद है या सब्जी बनाने के लिए, आप इस पनीर को यूज कर सकती हैं। तो चलिए इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ मेरा पनीर कितना बढ़िया बना था। तो इसको अगर आप चाहें तो बना करके फ्रिज में करीब एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको पानी के अंदर रख दीजिए और पनीर करीब एक हफ्ते के लिए आप स्टोर कर सकती हैं। जब भी आपको खाना है थोड़ा सा निकालिए, खा सकती हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप डाइट वाले हैं या ऐसे ही पनीर खाना कच्चा पसंद करते हैं, तो इस तरीके से आप कच्चा पनीर भी खा सकते हैं या इस पनीर को थोड़ा सा और आप टेस्टी बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए ना आप क्या कीजिए, कढ़ाई को अच्छे से बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम कीजिए और कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच आप घी डाल दीजिए। तो घी के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप चाहें तो तेल भी 1-2 चम्मच ले सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमने पनीर के पीसेस को बना करके रखा है सारे पीसेस को हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। और ये जो पनीर के पीसेस है ना, ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है क्योंकि हमने घर पे बनाया है और इसके अंदर जो पानी की मात्रा है ना बिल्कुल कम है, जिसके वजह से ये पनीर जो है बिल्कुल क्रीमी बनता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो इसको अच्छे से ना हल्का सा स्लो फ्राई कर दीजिए तो ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अगर आप चाहें तो ऐसे करके आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने सारे पनीर के पीसेस को फ्राई करके निकाल लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और आप जब भी आप इसको खाना चाहें ना इसको इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।